उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख व उनके कार्यकर्ताओं ने अपने जिला कार्यालय से कृषि कानून का विरोध कर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए बाइक रैली, किसान जन जागरण यात्रा निकालने का आयोजन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष व उनके कार्यकर्ताओं को तहसील चौराहे पर ही रोक दिया गया। आपको बता दें कि बाइक रैली के माध्यम से किसान जन जागरण यात्रा निकालने से पहले ही जिला कार्यालय के बाहर एसडीएम सहित सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल मौजूद था ताकि रैली को आगे ना जाने दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिगेटेड को तोड़कर आगे निकलने का प्रयास करते रहे, लेकिन आगे ना जा सके और उन्होंने वहीं पर ही अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए एसडीएम सदर सत्यप्रकाश को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अपने कार्यालय पर वापस चले गए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कृषि कानून के विरोध में बाइक रैली के द्वारा जिला कार्यालय हापुड़ से अच्छेजा, निजामपुर, नयागांव, कमालपुर होते हुए इस रैली का समापन आलमपुर में होना था, लेकिन पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी मशक्कत करते हुए उन्हें तहसील चौराहे पर ही रोक दिया और सपा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव, निरंतर जब तक ये किसान अन्नदाता सड़कों पर रहेंगे, जब तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश निर्देश में पूरी तरह से ये काम चलता रहेगा। इसी कड़ी में हम लोग साइकिल यात्रा निकाल रहे थे और साइकिल यात्रा में हम लोग जाते किसानों को सेवा भाव के लिए, लेकिन चूंकि इस उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस से गुंडागर्दी पूरी तरह से, समाजवादी पार्टी पर लाठी डंडे धक्का मुक्की और पूरी तरह से बैरिकेडिंग डालकर हमको एक तरह से बंधक बना लिया और विपक्ष का जो काम है उसको करने में बिल्कुल हमारे लिए बल प्रयोग कर रही है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। दूसरी तरफ इनका ये कहना है कि आप रोड जाम कर रहे हो, सड़कों पर किसान हैं, आने जाने वालों को परेशानियां हो रही हैं, तो मैं कहना चाहता हूं सरकार से, लगातार आप आपके कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं, लगातार उनसे संपर्क में डायलॉग के जरिए से बात चल रही है, अगर किसानों के हित में ये बिल है तो क्या किसान समझ नहीं पा रहा? किसानों के लिए कह रहे हैं कि उनकी आय दुगनी हो जाएगी, किसान बहुत फले फूलेगा, कहीं ना कहीं किसान को डर है, वो बहुत परेशान है। आप सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप इन तीनों कानूनों को, जो किसान विरोधी कानून है, इसको तत्काल पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग बुलाओ और इसको समाप्त कर दें। देखिए, हमारा जैसे हम तहसील चौराहे पर पहुँचे, वहीं उन्होंने बैरिकेडिंग कर, तमाम PSC पुलिस, तमाम आला अधिकारी इस जिले के मौके पे थे, उन्होंने बल प्रयोग किया, धक्का मुक्की की, एक तरह से प्रेशर किया, जबरन हमको वहाँ रोका, जिसकी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निंदा करते हैं। तो मैं आपसे ये एक चीज़ कहूँगा कि देखिए, जो विपक्ष का काम है, ईमानदारी से अपना दायित्व निभा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन डंडे के जोर पर हमको धमकाने का काम कर रहा है, हमको थ्रेट देने का काम कर रहा है। अपनी बात को, किसानों की बात को, गरीबों की बात को कहने का ये बिल्कुल जो अधिकार था इस भारत में, ये बिल्कुल छीन रही है, हमारी आवाज़ को दबा रही है। हमारी मोटरसाइकिल यात्रा थी आज, उसमें जो यहाँ हम ऑफिस पर इकट्ठे हुए, यहाँ से मोटरसाइकिल लेकर गए, चौधरी चरण सिंह जी की जो मूर्ति है तहसील हापुड़ में, वहाँ से आगे हमें नहीं जान दिया, वहाँ की यात्रा थी, यहाँ से अच्छेजा, अच्छेजा से निजामपुर, निजामपुर से कांवई, कांवई से नया गांव, नए गांव से कमालपुर, और इसका समापन था आलम, जो आज इन्होंने यहाँ तहसील चौराहे पे चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर रोक दी गई और आगे नहीं जाने दिया। और इससे पहले भी हमने एक दो बार यात्रा रेगुलर चल रही है 7 तारीख से, लेकिन कई मुकदमे भी हो गए, आज इन्होंने बिल्कुल भी हमें आगे नहीं जान दिया। तो हमने यही ज्ञापन देकर और अपनी बात को आगे सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया है, और ये योगी मोदी सरकार कितनी इन बातों को ध्यान में रखते हैं और इस अन्नदाता की बात को कितना सुनते हैं, इन्हें जो हमारे इस देश के अन्नदाता हैं, इन्होंने ही कुर्सी पे बैठाने का काम करा और इन्हीं के साथ जो ये आज रवैया अपना रहे हैं। हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट।